आज 29 मार्च और कल है 30 मार्च। कल सभी को पता है 3 मूवी रिलीज होने वाला है। तीनों मूवी के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करने वाला हूं, तो बस इतना बोलूंगा बिना स्किप किया। देखो मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूं। तो सबसे पहले पिट्टू थाला जो रिलीज होगा कल ही, एसटीआर सब मूवी होने वाला है और ये सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज होगा। बाकी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई अपडेट तो नहीं मिला मेरे को। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटा 15 मिनट का होने वाला है और इस मूवी का राइटर है कृष्णा जो राइटिंग के साथ डायरेक्टर भी है। इस मूवी में म्यूजिक AR रहमान ने दिया है। इस मूवी का फिल्मिंग कल ही के दिन हुआ है जिसके कुछ फोटोज निकल गए आप लोगों से, तो सबके फेस पे स्माइल है, मतलब मूवी काफी ज्यादा सही होने वाला है। और इस मूवी का पूरा कास्टिंग अपने स्क्रीन में देख सकते हो, एक एक करके नाम लेके बताने जाऊंगा तो वीडियो बड़ा होगा। इससे अच्छा आप लोग चाहो तो रोके पढ़ लेना, कास्टिंग के बारे में जानना चाहते हो तो ये मूवी कल के दिन रिलीज होने वाला है। क्या आप लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। मतलब हाँ देखने जाने वाले हो तो क्या टिकट बुक कर लिए या नहीं किए करने वाले हो कमेंट में जरूर बताना। तो ये पहला मूवी जो कल के दिन रिलीज होगा थिएटर्स में। अब इसी के साथ सेकंड मूवी नानी सर की तरफ से दशहरा जो कल के दिन रिलीज होगा थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड और ये हर एक लैंग्वेज में रिलीज होगा क्योंकि ये पैन इंडिया मूवी होने वाला है। और इस मूवी का रन टाइम है 2 घंटा 32 मिनट का। गूगल में मैंने जब सर्च किया यही रन टाइम निकल गया, पर मेरे को ट्विटर पे एक ट्वीट मिला जिसमें लिखा गया था 2 आवर 36 मिनट्स, तो शायद से एंड क्रेडिट भी होने वाला है इस मूवी में। कंफर्म नहीं हूँ पर कल सब कुछ पता चलेगा कि रन टाइम 2 आवर 36 मिनट का होता है या 2 आवर 32 मिनट का होता है, क्योंकि 2 आवर 36 मिनट एडिटिंग करके एक फोटो भी पोस्ट किया गया था ट्विटर पे, तो हाँ फोटो देख सब स्क्रीन में। और इस मूवी का राइटर है श्रीकांत ओडेला जो इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है। इस मूवी का बजट है 65 करोड़ का। इस मूवी का ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, पर पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगा, मतलब हर एक लैंग्वेज में रिलीज होगा। इस मूवी का कास्टिंग देख सकते हो आप स्क्रीन में, चाहो तो रोक के पढ़ लेना। तो ये दूसरा मूवी जो कल के दिन रिलीज होगा थिएटर्स में। तो क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो, थिएटर में जाकर देखने वाले हो नहीं हो, क्या सीन आप लोगों का कमेंट में जरूर बताना। अब तीसरा मूवी जो कल के दिन रिलीज होगा थिएटर्स में अजय देवगन सर की तरफ से भोला। इस मूवी का रन टाइम होने वाला है 2 घंटा 23 मिनट का और इस मूवी का डायरेक्टर होने वाला है अजय देवगन सर खुद और इस मूवी का राइटर है। ओरिजिनल स्टोरी है लोकेश कनेरा सर का, क्योंकि कैथी मूवी का रीमेक है तो ओरिजिनल स्टोरी वहीं का है, पर इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। अंकुश सिंह, अजय देवगन सर जो भी मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया गया सब मिलकर थोड़ा सा देख देख के चेंज किए हैं। ये मूवी का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, ये और भी लैंग्वेज में रिलीज होगा शायद से, कुछ कन्फर्म तो नहीं है पर हो सकता है क्योंकि ट्रेलर तो देखना नहीं मिला, तो कंफर्म और लैंग्वेज रिलीज नहीं होगा, हिंदी लैंग्वेज रिलीज होगा और ये भी कल के दिन रिलीज होगा। इसका भी फुल कास्टिंग ऑप्शन में देख तो चारों तरफ करके पढ़ लेना, काफी बड़ा कास्टिंग है। तो अब बताओ आप लोग कमेंट में ये 3 मूवी कल के दिन रिलीज होगा थिएटर्स में, आप लोग कौन सा देखने वाले हो, मतलब सबसे पहले कौन सा देखोगे। और मैं ट्राई करता हूँ 3 मूवी का रिव्यू लेकर आने का सबसे पहले, तो हाँ उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग बताओ आप लोग किस मूवी से ज्यादा एक्साइटेड हो, कौन सा मूवी देखने वाले थिएटर्स में सबसे पहले, या तीनों देखोगे, मतलब जो भी है यार कमेंट जरूर बताना। तो मैं सोचा छोटा सा वीडियो बना देता हूँ क्योंकि 3 बड़े मूवी रिलीज होने वाले हैं, आप लोगों का राय जानना था कि आप लोगों का क्या सीन है, कौन सा मूवी देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड, उसी के लिए वीडियो बना रहा था। तो अब 3 मूवी के ऊपर रिव्यू लेकर आ जाऊंगा मैं, तब तक वेट करो। अब इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके से वीडियो लेकर आता हूँ मूवी इंडस्ट्री रिलेटेड अपडेट्स के ऊपर, ऐसे डेलीगेट वीडियो भी बनाते रहता हूँ मूवी इंडस्ट्री रिलेटेड। अगर आप लोग अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, तो करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और लाइक कर दो, ज्यादा नहीं वीडियो को शेयर कर देना। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।